हमारी समझ में ये नहीं आ रहा रानी परी कि आखिर मानव को शक्तियाँ देने के पीछे महाविनाशिनी को क्या फायदा हो सकता है? फायदा हो सकता है, महाविनाशिनी खुद तो सत्यलोक नहीं जा सकती, लेकिन मानव को वो भेज सकती है और इसीलिए वो मानव के जरिए सत्यलोक में रखे समय वाहक यंत्र को चुरा भी सकती है। बालवीर, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अनर्थ हो सकता है। महाविनाशिनी अपने चाल में भी कामयाब हो सकती है और साथ ही साथ मानव के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक योजना है जिससे हम मानव को इस षड्यंत्र से बचा सकते हैं। लेकिन बालवीर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमें सफलता प्राप्त होगी? हाँ रानी परी, मुझे मेरी योजना पर पूरा विश्वास है। ये तो सत्यलोक पर हमले की चेतावनी है। मानव, महाविनाशी ने अपनी चाल चल दी है, अब हमें भी महाविनाशी को दिखाना है कि अच्छाई बुराई से हमेशा एक कदम आगे ही रहेगी। जो कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें जिस परी ने ये शक्तियाँ दी है वो कोई अच्छी और सच्ची परी नहीं है। अगर ये समय वाहक यंत्र उसके हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो मानो, वो महाविनाशिनी है, वो एक बुरी परी है। मानो उसकी बातों में मत आओ, रुक जाओ। बालवीर मुझसे मेरी शक्तियाँ छीनने के लिए मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मानो तुम क्या सोच रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है बालवीर, मैं तुम्हारी बातों का यकीन करके तुम्हें अपनी पावर्स दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें भी अपनी पावर्स छोड़कर एक साधारण बच्चा बनना होगा। बोलो, क्या तुम्हें कर सकते हो? नहीं ना, जब तुम अपनी पावर्स नहीं छोड़ सकते तो फिर तुम मुझसे मेरी पावर्स को छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हो? मानो, लगता है तुम होश में नहीं हो। मानो नहीं बालवीर, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना सुपर हीरो समझा, लेकिन मेरे सुपर हीरो बनने से तुम्हें तकलीफ होने लगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बालवीर। नहीं मानो, इतने मानो को रोकने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही होगा। बालवीर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसका तो कांच टूट गया है, और कांच टूटना अपशकुन होता है। हे भगवान, बल्लू और मानव की रक्षा करना। दगली हाउस यही है? हाँ जी यही है। आ जाओ भाई लोग, आ जाओ, यही है दगली हाउस। क्या हाँ जी, किसका काम है? नहीं, ये बुके किसने भेजे? ये बुके नहीं, पता नहीं, सब एड्रेस बताया यहाँ बुके देने। एड्रेस बताया खाली? हाँ। लेकिन हेलो भाई साहब, कुछ बताइए। हेलो भाई साहब, अरे सुनिए भाई साहब। अरे महेश। हाँ। ये इतने सारे बुके किसने भेजे होंगे? क्या पता बापूजी, इसके ऊपर चिट्ठी है, पढ़ के देखता हूँ। शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को ट्रक के नीचे आने से बचाया।
सुपर हीरो एम? लेकिन ये सुपर हीरो एम के बुकेज यहाँ पे क्यों आए हैं? हेलो, अरे सुन, हेलो यार, किसका फोन था? पता नहीं बापूजी, लेकिन किसी ने कहा कि थैंक यू सो मच, आपके सुपर हीरो एम ने मेरे बेटे की जान बचाई। हेलो, अरे हेलो, क्या हुआ बाबूजी? कौन बेटा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? लोग हमें सुपर हीरो एम के दादाजी और पिताजी समझ रहे हैं। हाँ, वो सही समझ रहे हैं। आप सुपर हीरो एम के दादाजी हो और पापा आप सुपर हीरो एम के पापा हो। क्या? महर ये क्या कह रही है बेटा? हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। सुपर हीरो एम कोई और नहीं बल्कि हमारा मानव है। ये क्या मजाक है महर? मैं सच कह रही हूँ माँ। और आपको पता है, जब बालवीर ने मानव से वो सारे सुपर पावर्स लेने की कोशिश की तब पता नहीं मानव उड़के कहाँ चला गया। हाँ? ये मानव ने गलत किया, उसने सारे सुपर पावर्स बालवीर को दे देने चाहिए थे। बापूजी, सुपर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और मानव बहुत छोटा है, अभी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा। मुझे तो मानव की बहुत चिंता हो रही है, कहीं ये पावर्स उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। हाँ माँ, बालवीर भी यही कह रहा था कि मानव के सारे सुपर पावर्स उसके लिए बहुत खतरनाक है। पर आप सब चिंता मत कीजिए, बालवीर ने मानव से सुपर पावर्स लेने के लिए एक प्लान बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बालवीर मानव को कुछ नहीं होने देगा। हे भगवान, मेरे मानव की रक्षा करो। रुक जा मानव। तुम मुझे तुम्हारी शक्तियां लेने से नहीं रोक सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? बुरी शक्तियों का मुंह छोड़ दो, मेरी बात मानो। रुक जा बालवीर, मैं अपनी पावर्स छोड़कर एक आम बच्चा नहीं बन सकता और तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अटैक करना ही होगा। माफ करना बालवीर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
मानो देखो तुम ये गलत कर रहे हो। मानो मानो देखो तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। मानो मानो ये क्या कर रहे हो तुम? मानो रुक जाओ। सॉरी बालवीर। मानो रुक जाओ। मानो मेरी बात मानो मानो। मानो रुक जाओ। रोई, मेरे अच्छे दिन तब आएंगे जब ये गुलेल तुझे। रख इसको नीचे। दो बार ये गुलेल टूटते टूटते बची है और मेरे अच्छे दिन नहीं आ रहे। पहले इसको ही तोड़ते। रोहित बस बहुत तोड़ लिया इसे। हाँ चल अभी गुलेल तोड़ते। हाँ और खबरदार तूने कुछ बोला तो वरना और तोड़ूंगा। मुंह बंद कर उसका। ए चल हट। अरे मोंट बॉस। अरे हट। अरे मोंट बॉस तेरी बात तो सुनो। तोड़ो तोड़ दो। अरे मोंट बॉस तेरी बात तो सुने। अरे बॉस तोड़ दो। बॉस आपसे कुछ नहीं आने वाला। लाओ मैं ही करता हूँ। चित्तू के बच्चे, तूने हमें बताया कि उन्हें ऐसा धमाका होने वाला है? अरे मोटू बॉस, सबसे बोल रहा था, आप सुन ही नहीं रहा था। बॉस, वो सब जाने दो। ये अच्छी बात देखो, ये जादुई गुलेल भी हमारे साथ धुआं धुआं हो गई। अरे वाह, फाइनली इस जादुई गुलेल से पीछा छूट गया। कहाँ गए चिट्टू? चलो बस नहाते हैं। चल अच्छी परी, अब जल्दी से आप इस मशीन को नष्ट कर दो। बालवीर यहाँ पे किसी भी वक्त पहुंच सकता है। मूर्ख मानव, अब ये नष्ट नहीं होगा। बालवीर का भविष्य नष्ट होगा और वो भी तुम्हारी वजह से। ये आप क्या कह रही हैं? जानना चाहोगे क्या किया तुमने?
मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है तुमने किया है। तुम इस यंत्र को सत्य लोक से मेरे पास लिया है, अब तुम्हारी वजह से मैं बालवीर को बुराई की खाई में गिरा दूंगी। वाह महाविनाश जी, है आप यहाँ और रहा था ढूंढ में आपको वहाँ विनाश लोक में। वो तो है अच्छा कि है मेरी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी और सूंघते सूंघते आ गया मैं यहाँ और सुन लिया मैंने सब कुछ। वाह महाविनाश जी वाह, कर दिया आपने तो कमाल, दे दी बालवीर को ही शिकस्त। वाह कमाल अभी तक हुआ नहीं है, तौबा तौबा है? कमाल तो अब होगा, क्या कहते हो मानव? तुम्हारी वजह से मैंने बुराई का मुझ पर हावी होने दिया, तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बालवीर पर अटैक किया, तुमने मेरे साथ चीटिंग की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.